होटल मिलने की खुशी में यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं लंच करने। ठीक है, तो ये हमारा होटल देख लो। होटल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा ड्यू टू सम टर्म्स एंड कंडीशंस। तो वो क्या है, वो यहाँ से बाहर निकल के या ये चेकआउट करने के बाद आपको बता दी जाएंगी। फिलहाल के लिए ये है रूम, अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो, अपने आप ढूंढ लेना क्योंकि नाम तो मैं नहीं बताऊंगा हाँ जगह दिखा सकते हैं, प्राइस बता देंगे। दो रूम का एग्जीक्यूटिव रूम है, 9000 रुपए हमने पे करा है आफ्टर इतना सारा बार्गेनिंग। अभी जा रहे हैं फिलहाल हम लोग यहीं होटल के रेस्टोरेंट में लंच पेट पूजा करने। मिलते हैं दोस्तों लंच पे। तो अभी हम लोग नीचे उतर चुके हैं, खाने पीने के लिए उतरे हैं और अभी एक साथ ही रूम में जाके तैयार व्यार हो लेंगे क्योंकि बाहर निकलेंगे इसलिए पहले तैयार हो जाएंगे। और देखो होटल का नाम मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इन्होंने हमको आते ही एंट्री में बोला, ऐसे हम लोग बात कर रहे थे बार्गेनिंग के चक्कर में कि रेट कम कर दो, तो ऐसे ही बोला कि हम लोग आपकी वीडियो वगैरह भी बना लेंगे, आपके होटल में बना लेंगे। तो बोलते कि नहीं, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं और हमको कोई फायदा नहीं होता उससे, तो हमें कोई मतलब नहीं है उससे। तो जिस तरीके से वो बोला गया वो थोड़ा रूड था, इस चक्कर में मैंने बोला कि मैं आपको होटल का नाम वगैरह नहीं बताऊंगा। बट नो डाउट ये वाली प्रॉपर्टी ढूंढने पे मिली है, बट अच्छी मिली है, ऐसी नहीं है नई बनी हुई ऐसा लग रहा है, तो काफी अच्छी है ये वाली प्रॉपर्टी। और डल लेक के एकदम ऑपोजिट है, जब आप आओगे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ ये रहने लायक है, अच्छी है। फिलहाल तक के लिए, अभी तक के लिए ठीक है प्रॉपर्टी। तो ये हमारा पनीर बटर मसाला, बटर गार्लिक नान और ये दाल मखनी। अब यहाँ पे देखो भूखे शेर सब लोग तैयार हैं खाने के लिए, पहले खा ले उसके बाद आपसे बात करेंगे। हम लोग खा पी के एकदम रेडी हाँ यहाँ तो घूम सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी कोई बाड़ा वाड़ा हो रहा है तो नाचो अभी फिलहाल के लिए रूम में जा रहे हैं, तैयार होंगे उसके बाद निकलेंगे, रात को दावत होगी एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। ये सामने डल लेक का व्यू और ये हमारा होटल की बालकनी है, हमारी फुल बालकनी है हमारी दोस्तों एक देखो डिस्कवरी देखो, नहाने जा रहा था तो ये देखो एग्जॉस्ट, नेचुरल एग्जॉस्ट। हेलो विदुषी मैम, हेलो ये हमारे बाथरूम का नेचुरल एग्जॉस्ट है दोस्तों। चलो मिलते हैं तैयार होके, उसके बाद जाएंगे शाम को घूमने के लिए, है ना। चलो आप लोग भी तैयार हो जाओ, हम लोग भी तैयार हो जाते हैं, बाय बाय। तैयार श्यार होके आराम हो रहा है क्योंकि सामने अभी वो तीनों पता नहीं तैयार हुए कि नहीं हुए, बट मैं तो तैयार हो गया हूँ, रेडी हूँ। तब तक एक दो रील छाप लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। दोस्तों डिसाइड हुआ था कि हम लोग 3:30 बजे टिच होटल से तैयार व्यार होके सज धज के निकल जाएंगे डल लेक की तरफ, बट यहाँ पर हम लोगों की फोटो सेशन इस खूबसूरत होटल में अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। सही में लग भी नहीं था कि समाप्त हो जाएगा, बट अब हम लोग अब अपने आप को पुश 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 करके यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं डल लेक की तरफ, दिखाते हैं आपको कश्मीर के नज़ारे। अब हम पहुंच गए दोस्तों मुगल गार्डन और अंदर देखते हैं क्या है माहौल। यहाँ हमारे सामने डल लेक, तपतपाती धूप और फाउंटेन। दोस्तों मुगल गार्डन के अंदर घुसते ही ये हसीन नजारा, आंखें तृप्त हो चुकी हैं। ओहो दोस्तों यहाँ पे है धूप कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, अभी हमारी घड़ी में बज रहे हैं 5 और ऐसा है कि यहाँ पे 6 बजे तक ऐसी करारी धूप रहने वाली है। तो अभी हम आए मुगल गार्डन, मुगल गार्डन को एक्सप्लोर करेंगे। अंदर एंटर करते ही बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पौधे हैं, फूल हैं और ये खूबसूरत नज़ारा।
ऐसा लग रहा है दोस्तों मुगल गार्डन क्या गुलाब है। ये जो एंथुसियाज्म आया ना ये सिर्फ कैमरा ऑन होने पे आया है। अरे हाँ सच में, अरे हाँ ये अनार है, देखो दोस्तों अनार। अरे वाह, पर आके ये सब भी कर सकते हो, ड्रेसेस पहन के पिक्चर 100 एक इंसान का। हाँ नहीं मुझे बस वही चाहिए। आ जाओ, चलो डील क्लोज हुई है, पिक्चर होगी यहाँ पर। अब नगर का मुगल गार्डन बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, इंजॉय कर रहे हैं पानी में खेलने के लिए। गर्मी यहाँ पे बहुत है इस समय, तो देखो सब पानी में बच्चे खेलने में लगे हुए हैं। और ये ब्यूटीफुल पहाड़ यहाँ पे सब, और सामने डल लेक, और ये खूबसूरत सन। और यहाँ का टिकट आई गेस 25 रुपीज़ का है पर पर्सन, अगर आपको आना है तो आ सकते हैं। और डल लेक जहाँ पे हम लोग रुके हैं घाट नंबर 9 के पास, हमारे होटल से यहाँ तक का ई रिक्शा वाले ने लिया 150 रुपीज़। बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ेगी। तो काफी देर से हम लोग यहीं सड़क पे खड़े हैं डल लेक के सामने, कोई ना ऑटो ना रिक्शा ना कैब। तो सबसे पहली डिश हमारी टेबल पे है कश्मीरी पुलाव। होटल का नाइट व्यू,